जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आतिशी जिन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और वो खूबी जीत भी गई, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है उस मुख्य आरोपी की, जिस आरोपी को लेकर ये कहा जा रहा था कि यह आम आदमी पार्टी का नेता है। दरअसल आतिशी ने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर डाली हैं और इन तस्वीरों को डालते हुए उन्होंने लिखा है, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए, भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे, भाजपा गुंडे लफंगों की पार्टी है। इस पर कई लोग उन्हें लताड़ लगाते हुए नजर आए, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये केंद्र का मामला है और केंद्र निपटे, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो कि हाल ही की आम आदमी पार्टी की तस्वीरों में नजर आया था उसको बीजेपी का शख्स कहा जा रहा है, जबकि जो तस्वीरें आतिशी ने शो की हैं उन तस्वीरों में काफ़ी दूर नजर आ रहा है अंसार। वहीं दूसरी बात यह है कि जहां बीजेपी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है अंसार, तो आखिर बीजेपी ने ही उसे गिरफ्तार क्यों किया? आखिर दिल्ली पुलिस ने अंसार को गिरफ्तार क्यों किया? अगर बीजेपी का आदमी अंसार होता तो उसे कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर 1% ये मान भी लिया जाए कि अंसार जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या बीजेपी का वर्कर है, तो ऐसे में इस बात को साबित करने के लिए वो तस्वीरें भी मिलनी चाहिए जो तस्वीरें दरअसल आम आदमी पार्टी के कॉस्ट्यूम में नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जो तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अंसार के सामने आई हैं वो कुछ और कहती हैं और जो तस्वीरें आतिशी शो कर रही हैं वो कुछ और कहती हैं। इससे जाहिर होता है कि पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था अंसार और फिर आम आदमी पार्टी में आ गया। आपको बता दें, अंसार वही शख्स है जो कबाड़ी का काम करता करता करोड़पति बन गया। अंसार को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें अंसार की पहले भी सामने आई थी, कुछ तस्वीरें नई सामने आई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी का पहले ये कहना कि ये केंद्र का मामला है, केंद्र संभालेगी और केंद्र को सारा डिसीजन लेना चाहिए, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ आतिशी ये कहती हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। लेकिन ये ज़रूर कहना भूल जाती हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जितने भी आसिफ अंसार आलम निजाम जितने भी लोग हैं सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा एक भी ट्वीट आम आदमी पार्टी का सामने नहीं आया, आतिशी का सामने नहीं आया। एक शख्स जो कि एक्सपोज हो गया उसे अब बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। और इस बात को मान लीजिए, अगर बीजेपी का वर्कर भी रहा है अंसार और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ ट्वीट करके कब अपनी जिम्मेदारी निभाती है।